हेलो जी, हेलो। आपका हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे फिर से स्वागत है। आशा करते हैं हमारे सारे दोस्त फ्रेंड्स सब ठीक ठाक होंगे, सुकुशल होंगे। आज हम फिर से, आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, हम डल लेक पे हैं और इस समय हम जो हैं ठहरे हुए हैं, ये मेरे पीछे देख लीजिए हाउस बोट है, ये सी हॉक हाउस बोट है। और हमारे यहाँ पर जो हम आज एज यूजल आप जो देखते हैं मेरे ब्लॉग्स, उनमें मैं आपको बताता हूँ हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके हम फीडबैक लेते हैं। अभी हमारे बीच में डॉक्टर कुलदीप सिंह जी और डॉक्टर गगनदीप कौर जी हैं, ये आए हुए हैं फरीदकोट पंजाब से। तो ये आप पीछे देखिए, देखिए हमारे बाली साहब जॉली जी जो है। तो अभी जो अगली बातें हैं वो हम इनसे ही करेंगे, क्योंकि इन्हीं का फिट जी ने इनकी रेफरेंस दी थी। हाँ, डॉक्टर सतनाम जी हैं, उन्होंने इनकी रेफरेंस दी थी और ये यहाँ पर घूम रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। आज इनका लास्ट नाइट स्टे और कल ये वापस अपने मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो जो अगली जो बातें हम इनसे करेंगे, 2-4 चीज़ें पूछेंगे ताकि हमें भी अपना फीडबैक पता चल जाए और कश्मीर के बारे में पता चल जाए, कश्मीर इनको कैसा लगा, क्या हुआ। तो आप देखते रहिए ये ब्लॉग एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, मैं बार बार आपको विनती करता रहता हूँ। तो सत श्री अकाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। तो डॉक्टर साहब आए हुए हैं फरीदकोट से, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है। तो डॉक्टर साहब दी 2-4 दिन से यहाँ घूम रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आप ही बताइए कि कहाँ कहाँ आप घूमे और कैसा कैसा लगा आपको। हम जब यहाँ आए थे तो पहले श्रीनगर में पहुँचे, श्रीनगर में 2 दिन लगाए, फिर हम गुलमर्ग गए और पहलगाम गए। जहाँ जहाँ भी बाली साहब ने हमारा अरेंजमेंट किया था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और हमने अपना जो टाइम था बहुत खूब अच्छे से गुजारा, बहुत मज़ा किया। और हम बड़े थैंकफुल हैं बाली साहब से, और जिन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट करके दिया और हमारा जो जर्नी था बड़ा कम्फर्टेबल रहा। वेरी गुड। तो मैडम जी, जैसे मैंने कैजुअली में आपसे बात कर रहा था तो पता चला आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर कश्मीर में आ रहे हैं। जी। इतने नज़दीक रह के लाइफ में फर्स्ट टाइम आना, ये तो पंजाब तो हम बहुत बिल्कुल नज़दीक है, इसका क्या रीज़न है ये बता दीजिए। नहीं, सोचा तो बहुत बार है क्योंकि नहीं, आप देखिए ना, हमारे पंजाब के लोग वैसे पीछे नहीं रखते किसी चीज में। अगर उनको आपको सीक्रेट बताती हूँ कि हमारी सिल्वर जुबली है इस साल। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गिफ्ट चाहिए, क्या बात है, क्या बात। नहीं तो चलो, ये हमारी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं एंड गॉड ब्लेस यू। तो ये चीज है, मैं आपके माध्यम से अपने मेरे पंजाबी बोल देना, जे तुहाडे माध्यम दे थ्रू मैं अपने पंजाबी भरावां नूं कहना चाहुंदा, ये पंजाबी तो बिल्कुल साडे पंजाब साडे बिल्कुल लागे ही हैगा। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ, अगर कोई सवेरे ड्राइव करे तो शाम को श्रीनगर पहुंच जाएगा, इन्ना मैं तुहानूं गरंटी दिंदा। सेल्फ ड्राइव ना, मैं तो जाता ही रहा चंडीगढ़, मेरा कहने का मतलब बिल्कुल लागे है। तो पंजाब के भराओ, तुहानूं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं हैगी इत्थे दा। चलो वह भी पूछ लेंदे क्योंकि इन्हें थ्रू गल रहेगी, साढ़े थ्रू तो कहेंगे बई ये अपने बिजनेस बारे कर रहे हैं, इन्होंने थ्रू पूछिए। तो यह दसो तुम इतने का हालात तुम्हें कैसे लगे सर, कोई प्रॉब्लम कोई ऐसा लगे कि तुम मतलब कोई बड़े खतरनाक जगह हो? बिल्कुल। तो मैडम जी, कोई एक्सपीरियंस थोड़ा दसो। हाँ नहीं, जिवें मतलब थोड़ा न्यूज़ विच या कुछ पिछले 25 सालों तो कदी ना जब छोटे होंदे तो ही थोड़ा लगता सी मन च डर सी कि इधर श्रीनगर कश्मीर पता नहीं किदां दा माहौल होएगा, बट इत्थे आके बहुत सेफ रहा। इवन मेरे पेरेंट्स भी कह रहे सी कि तुसी क्यों जा रहे हो इदां, तां उन्हां नूं वीडियो कॉल करके डेली दिखांदे आ तां ओह भी बड़े रिलैक्स ने। बाकी इत्थे दे जिहड़े पर्सनस ने जिन्हां जिन्हां नूं मिले आ, चाहे ओह साडे ड्राइवर सी या होटल दे विच जिहड़े भी अटेंड कीता जिन्हां ने, बहुत ही कोऑपरेटिव, सॉफ्ट स्पोकन ते बड़ा नाइस बिहेवियर है। ये चीज मैनू बहुत अच्छी लगी, बड़े सिंपल ने लोग, अंदर वेख्या, अंदर हाउस बहुत देखो जी, ए ना जो फर्स्ट टाइम कोई बंदा अगर
फर्स्ट टाइम कोई एक बार आ जाए ना उस तो बाद फिर भाई अभी दोबारा आइए साढ़े एक मेरे एक बड़े समझो मेरे ब्रदर ही हो गए बन गए वो फर्स्ट टाइम थोड़ी तरह आए थे घूमन श्रीनगर गुरविंदर जी ना उन्होंने चमकौर साहब श्री चमकौर साहब तो आते हैं फर्स्ट टाइम लाइफ आए हैं 2016 च अज तक मतलब कोई अठवीं बार चक्कर के छे अठ बार चक्कर कट गए तो उस तो पहले कद श्रीनगर नहीं आए सुनो तो हूँ ही लेटली तो हूँ नहीं मेरे बड़े बड़े साढ़े ब्रदर मित्र बहुत मेरे बहुत ज्यादा ब्रदर बड़े क्लोज बन गए मेरे काफ़ी अच्छे है तो मेरे कहने मतलब वो भी पहले इसी चीज़ तो डरते थे कि भाई कैसा है कि हूँ तो उन्होंने मन करता है यार परिंदर जी दिल कर रहे आ जाए मैं आ जाओ बिल्कुल बिल्कुल तो होप करते हैं असी थोड़ा ज़्यादा टाइम तो नहीं ला क्योंकि यू आर टायर्ड ऑलसो तो असी होप करते हैं कि साडा तुहानूं अरेंजमेंट अच्छा लगे जो तुसीं दस्सिया तो बाकी तुहाडे कोलों असी एक दो फीडबैक लेते हैं जिहड़े वी नीड टू इंप्रूव दैट एंड दैट इज़ ओही है ये साडा ये मेन मकसद मीट करन दा ही होंदा कि साडा अगला जिहड़ा आ रहा उहनूं कोई प्रॉब्लम ना होए तो वी हैव गॉट सम फीडबैक्स वो असी अपने इन्हों शेयर कर ही देंगे किसी हाल भी तो बाकी रहा कि तुसी आए साड़ी सर्विसेज लीतियाँ तो होप करते हैं तुसी साडा नाम भी अगे किसी नू जरूर अपने फ्रेंड सर्कल अपने परिवार जनों नू जरूर दोगे बाली साहब का कंटैक्ट साडा कंटैक्ट तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जी।